एक्शन। वो दूर घाटी में बस्ती देख रहा था, मेरा घर था। मेरा बाप वहां चाय के बागानों में काम किया करता था साहब, बड़ा हसमुख इंसान था साहब, बहुत मददगार। वर्कर लोग बहुत इज्जत करते थे उसकी। अरे यूनियन का बड़ा लीडर था, मुझे मेरे बाप से बहुत प्यार मिला साहब, बहुत प्यार मिला। और वो पेड़ देख लो साहब, उस पेड़ पे एक मोटी रस्सी का झूला। मेरा बाप मुझे रोज वहां ले जाकर जोर जोर से पेंगे दिया करता था साहब, जोर जोर से पेंगे। झूला ऊपर और ऊपर और ऊपर, झूला साय साय साय। और जब झूला नीचे आता ना साहब, तो वो पेट में कैसा अजीब सा होता ना साहब। बड़े अच्छे दिन थे साहब, बहुत अच्छी जिंदगी थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी। फिर अचानक से एक दिन पुलिस आई, मेरे बाप को उठा के ले गई साहब। अरे और तो और, मेरी मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई साहब। कितना सहूंगा मैं, कितना सा ये इतना सा हुआ साहब, चली गई। अरे एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के चली गई साहब। मैं रोता रहा, बिलकता रहा, मसालों किसी ने पानी तक को पूछा साहब, कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। मैं ऐसे ही रोता रहा। रात हो गई साहब, रात हुई तो भूख लगी, और जब भूख लगती है ना साहब, तो ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर कोई शैतान जिंदा हो गया हो, जो अपने दांतों से अपने नाखूनों से पेट को फाड़ दो, आदमी पागल हो जाता साहब। मैं रोता रहा साहब। मैंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ता रोटी चबा रहा है। चबड़ 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 चबड़। मैंने पत्थर उठाया और दे मारा साहब। कुत्ता भागा, मैं भी उसके पीछे भागा, कुत्ता भागा, फिर उसके पीछे भागा। कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा गिरा और खा गया साहब। मैं वो रोटी खाया साहब, वो रोटी खाया। तब से ऐसा लगता है जैसे जमीन से आसमान पे किसी ने लिख दिया हो, पुनः जीना तो मारना सीख, जीना तो छीनना सीख। बन गया साहब मैं गुंडा, बदमाश, मवाली बन गया साहब।